Hello and welcome everyone. And today in this video session, I will show you the procedure of adding or registering a new scheme or adding a new bank account for the existing scheme in an existing agency. अगर आपके पास already agency registered है किसी भी level पे, आपके पास कोई और scheme है जो आपको implement करनी है PFMS पे, and for that you don't want any other agency to be registered. अगर आप existing agency में जो आपके पास available agency है किसी scheme के लिए register है, उसी agency में आप और कोई स्कीम ऑपरेट करना चाहते हैं, या जो स्कीम आप ऑपरेट कर रहे हैं उसी स्कीम के लिए आप एक और बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, उस केस में आप कैसे पूरा प्रोसीजर फाइनलाइज करेंगे. देखिए, टू ऐड एनी स्कीम और रजिस्टर एनी स्कीम और टू ऐड एनी बैंक अकाउंट यू नीड द लॉग इन आई डी ऑफ एन एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर. आप PFMS की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप लॉग इन पेज पे क्लिक करेंगे. Here you will log in with your agency admin ID. And after logging in, you have to make sure कि आपने एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर के आई डी से ही लॉग इन किया है. आप वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यूजर टाइप में आपको यहाँ पे शो होगा एजेंसी ADM. That means the agency administrator has logged in. उसके बाद आप पहले चेक करेंगे कि आपकी एजेंसी में करंटली कौन कौन सी स्कीम ऑपरेट हो रही है, विद कौन सा बैंक अकाउंट उसके लिए आपने रजिस्टर किया है, वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से माई स्कीम्स मैनेज ऑप्शन में. और यहाँ पे आपको लिस्ट में सभी स्कीम्स शो होंगी जितनी भी आपकी एजेंसी में ऑपरेट हो रही है या जितनी भी स्कीम्स आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे. एंड विद दैट स्कीम योर कॉरस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट विल बी आल्सो डिस्प्लेड राइट हियर. उसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स अवेलेबल होंगी आपके पास. एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आप उस स्कीम के लिए फंड्स कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा. एंड नाउ अगर आप कोई और स्कीम ऐड करना चाहते हैं या आप इसी स्कीम के लिए एक और बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं अपने लेवल पे, फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर यू हैव ऑल द डिटेल्स हैंडी विथ यू. आप कौन सी स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसका कोड होना चाहिए आपके पास. अगर आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऐड करना चाहते हैं, देन द सेंट्रल कोड शुड बी अवेलेबल विथ यू. अगर आप स्पॉन्सर्ड स्कीम या स्टेट स्कीम ऐड करना चाहते हैं, देन द स्टेट कोड शुड बी नोन टू यू. आपके पास वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. एंड आपके पास बैंक डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए. जो स्कीम आप ऐड कर रहे हैं उस स्कीम के लिए आपने कौन सा बैंक अकाउंट ओपन किया है, वो बैंक अकाउंट नंबर प्लस द IFSC कोड ऑफ दैट ब्रांच, दैट शुड बी अवेलेबल टू यू. एंड यू शुड ऑल्सो कन्फर्म कि आप उस स्कीम के लिए फंड्स कहाँ से रिसीव करेंगे, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंडिंग लेवल होगा वो आपको कन्फर्म करना है कि आप कहाँ से फंड्स रिसीव करेंगे, क्योंकि हमें वो सिलेक्ट करना है स्कीम ऐड करते हुए. वो आपके पास वो इंफॉर्मेशन कंफर्म होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए कि आप कहाँ से फंड्स रिसीव कर रहे हैं. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज आप यहाँ पे भी जा सकते हैं रजिस्टर न्यू स्कीम के ऑप्शन में, या आप यहाँ पे जा सकते हैं माय स्कीम्स के सेकंड ऑप्शन में रजिस्टर न्यू स्कीम. यहाँ पे आपको आपको जो पेज ओपन होगा वो एक स्कीम को ऐड करने के लिए है, या अगर आप ऑलरेडी जो स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस स्कीम के लिए आप एक और बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज द सेम ऑप्शन हियर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द स्कीम हियर. अगर आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऐड करना चाह रहे हैं तो आपके पास सेंट्रल कोड होना चाहिए जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं अपनी स्कीम को. एंड आफ्टर सिलेक्टिंग दैट कोड हियर, सिलेक्टिंग दैट स्कीम हियर, उसके बाद आप फंडिंग लेवल सिलेक्ट करेंगे अपना. अगर आप किसी चाइल्ड लेवल पे हैं, मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या ब्लॉक लेवल पे हैं हायरार्की में, और आप स्टेट से फंड्स रिसीव कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट से फंड्स रिसीव कर रहे हैं, देन अकॉर्डिंगली आप थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे, आई विल रिसीव फंड्स फ्रॉम दिस एजेंसी बाय सिलेक्टिंग दैट एजेंसी एज वेल. एंड वो आपको तभी शो होगा जब वो एजेंसी खुद वो स्कीम ऑपरेट कर रहे हैं. अगर आप फर्स्ट लेवल पे हैं और आप स्पॉन्सर्ड स्कीम ऐड कर रहे हैं, देन द सेकंड ऑप्शन विल बी अवेलेबल फॉर यू. आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है दैट यू विल बी रिसीविंग फंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज आप स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए और स्टेट स्कीम के लिए डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स रिसीव कर रहे हैं. बट अगर आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऐड कर रहे हैं, उस केस में आप डायरेक्टली फंड्स रिसीव करेंगे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. सो यू हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन हियर. एंड द स्कीम दैट वी आर गोइंग टू ऐड हियर, दिस एजेंसी हैज टू रिसीव द फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस स्कीम. सो वी विल सिलेक्ट द स्कीम फर्स्ट, उसके बाद हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, आई विल रिसीव फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देन वी विल चूज द बैंक डिटेल्स. इस स्कीम के लिए जो हमारे पास बैंक अकाउंट ओपन है, जो हमने ओपन किया है, हम वो बैंक डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करेंगे. फर्स्ट वी विल ब्राउज फॉर द बैंक हियर.
After selecting the bank, we will select the branch where you have opened up your bank account, and you can browse for that branch by using the IFSC code. After selecting the branch, you have to put in the account number that should be available to you. It can be the same in case if you have to add a bank account for the agency for the scheme, and in your case it can be different. So you have to put in your bank account that you have opened up at your level for the scheme that you have selected right here. बैंक अकाउंट एंटर करने के बाद आपको एजेंसी जो आपने पासबुक पे नाम रखा है उस बैंक अकाउंट का वो आपको एंटर करना है. जो आपने एजेंसी का नाम रखा होगा फॉर दैट स्कीम फॉर दैट बैंक अकाउंट इन योर ब्रांच यू हैव टू पुट इन द सेम थिंग हियर जो आपके पासबुक में है. उसके बाद आप ये स्टेप करना ना भूल जाएगा बट यू कैन डू इट लेटर एज वेल. यहाँ पे भी आप कर सकते हैं. आप अपने स्कीम के कंपोनेंट साथ साथ में मैप करेंगे. यहाँ पे आपको अपनी स्कीम के जो आप स्कीम ऐड कर रहे हैं उसके कंपोनेंट सभी डिस्प्ले होंगे एंड यू हैव टू चूज ऑल द कंपोनेंट्स हियर बाय क्लिकिंग ऑन द बल्क. सो यू विल क्लिक ऑन द बल्क हियर सो ऑल द कंपोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड एंड आफ्टर सिलेक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव एंड पूरी डिटेल्स एंटर करने के बाद स्कीम प्लस योर फंडिंग एजेंसी लेवल और फंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जहां से आप फंड्स रिसीव कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट द बैंक डिटेल्स जब द बैंक अकाउंट दैट यू हैव ओपन्ड अप फॉर दिस स्कीम. उसके बाद आप उस बैंक अकाउंट का नाम यहां पे एंटर करेंगे जो आपने पासबुक में उसका नाम रखा होगा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट द स्कीम कंपोनेंट्स बिकॉज आफ्टर एडिंग दिस होल थिंग आफ्टर एडिंग दिस स्कीम द फाइनल एक्सपेंडिचर दैट यू विल बी मेकिंग आपको वहाँ पे कंपोनेंट्स के अंडर ही एक्सपेंडिचर करना होगा. उसके लिए आप यहाँ पे पहले कंपोनेंट्स मैप करेंगे साथ में और ये सब करने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे डायरेक्टली सेव पे विच विल कम विद द नोटिफिकेशन सेइंग न्यू स्कीम एडिड अकाउंट विल बी विजिबल अंडर मैनेज स्कीम आफ्टर नेक्स्ट लॉग इन इनटू पीएफएमएस. यू विल क्लिक ऑन द ओके एंड हियर दिस विल बी ऑल्सो डिस्प्लेड स्कीम सेव्ड सक्सेसफुली. दैट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली एडिड अ न्यू स्कीम in your agency and if you want to check the current status of this scheme, देखिए scheme आपने add कर दी अपने end से but this requires the approval of your funding level. जो आपने funding level रखा है चाहे आपने किसी agency को select किया होगा या आपने state government को choose किया होगा या आपने central government को choose किया होगा जब तक ये पूरा process वहाँ से approve नहीं होगा आप इस scheme तक implement नहीं कर सकते हैं. और अगर आप status check करना चाहेंगे and after doing this whole thing you have to also notify your funding level ki aapne scheme add ki hai and they need to approve this thing. So you can check the current status of the approval from here by going into the my schemes and manage option. You will see dekhiye humne ek aur scheme add ki hai yahan pe jo humne recently ki hai and bank account diya hai but the bank status is currently pending because the first thing that will be done on the PFMS is that the bank will confirm the status of the bank account that you have opened up for this scheme. After the bank status comes with the green tick, after the bank verifies the account, uske baad aapka ye status approve hona bahut zaruri hai. Here it shows pending PD approval because we have selected the central government to be our funding agency. That's why this request goes to the program division. So you have to notify your ministry and the program division that you have already added the scheme. Now they should approve from their side. So this was all about how to add or register a new scheme in your agency. The whole operation is completed from your side. And it's pending for the approval, so you have to notify your corresponding जो आपने select किया होगा funding level या आपने किसी funding agency को select किया होगा आप उनको notify कर लीजिए that you have added this scheme in your agency but this needs to be approved from your side. And after the scheme gets approved from their side आप ये scheme फिर implement कर सकते हैं अपनी agency में. और implementation के लिए procedure फिर same है. आपके पास available होंगी दो schemes या मल्टीपल जितनी भी आपने ऐड किए हैं आपको हर एक्सपेंडिचर फाइलिंग के टाइम पे या जो भी आप एक्टिविटी करेंगे यू हैव टू सिलेक्ट द प्रॉपर स्कीम जिसके लिए आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिसके लिए आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या पेमेंट फाइल जनरेट कर रहे हैं आप वो स्कीम सिलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर द स्कीम गेट्स अप्रूव्ड फ्रॉम द अप्रूवर साइड उसके बाद आप पहले ये बैंक अकाउंट एक्टिवेट करेंगे
फॉर द पीपीए मोड, प्रिंट पेमेंट एडवाइस मोड. उसके लिए मैंने आपको मैंने अपनी चैनल में ऑलरेडी वीडियो ऐड किया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं कि आप बैंक अकाउंट कैसे एक्टिवेट करेंगे. बिकॉज स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए आप फाइनली फिर एक्सपेंडिचर करते हैं या बेनिफिशरी पेमेंट करते हैं, और ये आप मोस्टली पीपीए मोड के थ्रू ही करते हैं. बट इन ऑर्डर टू हैव द इंस्ट्रूमेंट मेथड एज प्रिंट पेमेंट एडवाइस, आपको बैंक अकाउंट जो आपने ऐड किया है वो बैंक अकाउंट आपको एक्टिवेट करना है फॉर दैट पेमेंट मोड. उसके लिए आप वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें पूरा प्रोसीजर है कि आप बैंक अकाउंट को एक स्कीम वाइज कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं प्रिंट पेमेंट एडवाइस के लिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.